हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम झारखंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसका पार्ट टू करेंगे। झारखंड का ऐतिहासिक परिचय में जो करा रहे थे नामांकन, उसमें पार्ट टू करेंगे जो 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को दूसरे नाम से संबोधित किया गया था? झारखंड को दूसरे नाम से किस ग्रंथ में संबोधित किया गया? ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक? किस में किया गया था आप बताएं, कोशिश करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 12 चलते हैं। इसमें बोला है टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? ये जो टॉलमी है, झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो ये झारखंड, कलिंग, कुखरा या मुंडल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडल के नाम से। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में है कि वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा मुरंड, मुरंड नाम से, ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 14, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से? वायु पुराण में क्या बोला गया था? मुरंड। और विष्णु पुराण में क्या बोला गया है? तो ये मुंड बोला गया है, मुंड, मुंड। ओके दोस्तों, तो आगे 15 नंबर, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? जो फाहियान थे चीनी यात्री, वो झारखंड को कुकट लाड के नाम से उल्लेख किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें है भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? भागवत पुराण जो है उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो ये है किक्कट, किक्कट प्रदेश। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया था? मतलब छोटा नागपुर जो है झारखंड से नाम से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी, फाहियान या हैनसांग? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, 18 में दिया गया है इतिहासकार बुकानन किस स्थान से लेकर वीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? बनारस, बनारस से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक? इसमें बोला गया है कि 1833 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था जिसे बाद में रांची किया गया था? दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, तो ये कहाँ था पहले? तो ये था किशनपुर में, ठीक? और बाद में कहाँ किया गया? रांची में। ओके दोस्तों, ये रांची हो गया आपका, ठीक? क्वेश्चन नंबर 20, 20 में दिया गया है कि झारखंड शब्द, जो झारखंड शब्द है, ये झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो ये प्राप्त हुआ है 13वीं सदी से। 13वीं सदी में क्या चल रहा था? तो ये चल रहा था उसमें ऐत्रेय ब्राह्मण। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। दिया है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद वंश सम्राटी के अधिकार में था? ठीक है, सम्राट जो थे महाभारत काल में, तो ये किसके थे यहाँ? मतलब बोल रहा है कि महाभारत काल में जो थे किसके थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरासंध। महाभारत काल में किसके बृहद सम्राट कौन थे अधिकार में झारखंड? तो ये जरासंध के अधिकार में था। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन 22 बोलता है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से किया गया है? यानी महाभारत में झारखंड की चर्चा किस में किया गया था? ये हो जाएगा आपका पुंडरिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 23 चलते हैं। इसमें है कि महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? महाभारत में झारखंड के निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा पशु भूमि बोला गया था। महाभारत में झारखंड का अगर नाम आता था तो उसको क्या बोला बोला जाता था? पशु भूमि। ओके दोस्तों, अब 24 चलते हैं। 24 में दिया गया है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें झारखंड को अटावी अटावी से संबोधित किया गया था। 25 नंबर, इसमें बोल रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में ये हो जाएगा आपका मुरंड। मुरंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में बोल रहा है कि तारीख ये फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? ये जो तुगलक वंश था उसमें बुक लिखा गया है तारीख ये फिरोज शाही, उसमें झारखंड को क्या बोला गया है? तो इसमें झारखंड को बोला गया है झारखंड ही। ओके दोस्तों, इसमें झारखंड को झारखंड ही बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। और इसमें जो है तारीख ये बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो तारीख ये बंगला में झारखंड को झारखंड ही बोला गया था। झारखंड को क्या बोला गया था? झारखंड ही बोला गया था। फिरोजशाही में भी तारीख ये फिरोजशाही में भी झारखंड ही बोला गया था, और तारीख ये बंगला में भी झारखंड ही बोला गया था। 28 इसमें बोल रहा है सियार उल मुतखरीन, ये भी पुस्तक का नाम ही है, झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो झारखंड को इसमें झारखंड ही बोला गया था। समझे दोस्तों, तीनों में ही झारखंड ही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोल रहा है कि ह्वेन सांग जो हैं झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया था? तो झारखंड का ह्वेन सांग है, तो ये चीनी यात्री हैं, तो ये तो अपना लेंगे ही अपना लैंग्वेज जैसा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, की लो ना सू का ला ना, झारखंड का प्रयोग इस शब्द से किया गया था, झारखंड नाम। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ चलते हैं 30 नंबर। कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख है? तो ये पद्मावत जो मूवी देखे होंगे, तो उनका जो रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद ही जैसी हैं पद्मावत। ठीक, एक बुक है तो ये बोल रहा है कि झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया तो पद्मावत में किया गया। ठीक, किस ग्रंथ में? पद्मावत ग्रंथ में। ओके, और पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी होंगे। ओके दोस्तों, 31 पहुँचते हैं। ठीक, 31 में बोला गया है, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया गया है?
तो ये कबीरदास जो थे ना, उन्होंने झारखंड को दोहे में उल्लेख किए हैं। ओके दोस्तों, ये 32 नंबर आपका। तो 32 में दिया गया है कि मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता। मुगल काल चल रहा था उसमें इनको खुखरा भी बोला जाता था और कुकरा भी बोला जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दोनों उपयुक्त दोनों ऊपर में जो भी है। ठीक, आगे चलते हैं। और ये हो गया आपका 33। 33 में दिया गया है कि आयने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। तो आयने अकबरी में झारखंड का नाम जो है क्या किया गया है, तो ये किया गया है, इसमें हो जाएगा दोनों, एक कोकरा भी और खंकराह भी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 34 ले चलते हैं। ठीक, 34 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। प्राचीन काल में बोला गया था इसको क्या, नरीखंड, और बाद में कांकजोल, क्या होगा ये, संथाल परगना हो जाएगा, संथाल परगना। ओके दोस्तों, ठीक, अब 35। 35 का हो जाएगा आपका, निम्न में से किस राजा के ताम्र पत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख है, कि कौन से राजा थे जिनके ताम्र पत्र में झारखंड का उल्लेख किया गया था। ठीक है, पहली बार, तो क्या हो जाएगा इनका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। ओके दोस्तों, तो आगे चलते हैं। 36 नंबर, 36 में क्वेश्चन है कि झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है। कर्क खंड क्योंकि यहाँ जनजातियों की अधिकता के कारण कर्क खंड नाम जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब 37। ठीक, दो क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों। और ये हो जाएगा, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है। तो ये किस क्षेत्र को किया गया है, कर्क सुवर्ण के नाम से, ये हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक, छोटा नागपुर। अब यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 में है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड का किस नाम से संबोधित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन जो था उस संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से, तो ये हो जाएगा कलिंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट बचा एक क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड में झारखंड को शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस क्या जाना जाता, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें चल रही थी उसमें झारखंड का को क्या बोला जाता था, तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर। तो थैंक यू दोस्तों, ये जितने भी नामांकन थे इस बुक में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र जो था झारखंड का, उसमें सारा करा दिए हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूं। और अगर कोई गलतियां लग रही है तो बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। थैंक यू दोस्तों।